जब ऐसे उदार वचन सुने तो सुखेण का हृदय गदगद हो गया, चरणों पर गिर पड़ा, नाथ बस क्षमा कर दो, सचमुच आप धर्मावतार हैं, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। नाथ मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था, प्रभु मैं उपाय बताता हूं, समय बहुत थोड़ा है, दूरी काफी है, द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर एक सज्जीवन बूटी है जो सबसे अधिक चमकती है, अगर सूर्य निकलने से पहले आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। लेकिन ये काम कौन करेगा? प्यारे हनुमंत लाल फिर सामने आ गए, ये सोचकर कि हमसे पहले ये सेवा कोई और न ले ले, और कहने लगे हाथ जोड़कर कि आज्ञा दे दो हे, आज्ञा दे दो हे रघुराई, हम दबाई लाई राम। जो हम जानते न, अगर मैं जानता कि लक्ष्मण मरी है तो पिता बचन ना मनते न, अगर मैं जानता कि युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे तो लक्ष्मण मैं कभी भी अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। हो जो हम जनते लक्ष्मण मरी है पिता बचल ना मन देन, गर सीता कहीं तुम मर जाती कबहू न लंका आउते न, नहीं आते जो सीता कहीं तुम मर जाती कबहू न लंका औतन, कहां मिले सहोदर, कहां मिले सहोदर भाई, हम दबाई लाई राम। हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम, हम दबाई लाई राम, राम तन मुख बोलो लक्ष्मण, तन मुख बोलो लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया तन मुख बोलो लक्ष्मण भाई, हम दबाई लाई राम। जिस समय हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमें आप आज्ञा दें, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं, नाथ मैं जाऊंगा, प्रभु ने लगाया हृदय से हनुमान को कि प्यारे पुत्र हनुमंत, जब जब इस राम पर घोर कष्ट आया तुमने इस राम को सहारा दिया, आज इस रघुवंश की आन तुम्हारे हाथों में है। प्यारे हनुमान एक चीज का ध्यान रखना, श्री राम कह रहे हैं कहीं वक्त टल न जाए, न जाए सूरज के पहले पहले, सूरज के पहले पहले कहीं दम निकल न जाए। पहले
कहीं कम निकल न जाए। देखो सुबेरे राघव, देखो सुबेरे राघव, बजता न बज न पाए। और इधर देखो भैया, रास्ते में प्रभु ने भेजा तो है हनुमंत लाल को, लेकिन हनुमंत लाल जी ने आज बड़ी एक गंभीर बात रास्ते में अपनाई। सूर्य भगवान की ओर देखा और कहने लगे साथियों कि देखो सूर्य प्रभु, एक बात का ध्यान रखें और ये आपको मालूम है कि जब तक बूटी नहीं आवेगी तब तक हमारे स्वामी राघव के भाई लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। इसीलिए आपसे एक प्रार्थना है आज मेरी कि जब तक मैं बूटी लेकर वापस ना आ जाऊं तब तक आप निकलेंगे नहीं, आप उदय नहीं होंगे। और एक बात सुन लीजिए सूर्य प्रभु कि अगर आप बूटी लाने से पहले निकल आए तो भी आप समझ लें कि आपका नाम संसार में नहीं रहेगा। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। विमानों के सचिव करा दिया गिलाल।
द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो सुखेन वैद्य ने यह बताया था कि जो सजीवन बूटी होगी वो सबसे ज्यादा चमकती होगी। लेकिन प्यारे साथियों, रावण ने यहां पर ऐसी चाल की कि पूरा पर्वत ही चमका दिया। अब बेचारे हनुमान जी मन में विचार करते हैं, मान लो हम बूटी लेकर गए और वैद्यराज को दिखाई और डॉक्टर साहब ने कहीं कह दिया कि ये दवाई नकली है, तो इतना समय कहां है जो हम फिर दवा की दुकान पे आए और फिर असली दवा ले जाएं। सोचा ये बार बार की झंझट कौन करे। पहलवान आदमी जो होते हैं ना, वो बुद्धि से काम कम लेते हैं, ताकत से ज्यादा। तो साथियों, आज हनुमान जी ने सोचा ये बार बार की झंझट कौन रखे, लाओ एक बार पूरी दवाई की दुकान ही उठा ले चले, डॉक्टर साहब को जो दवा अच्छी लगेगी हम खुद ही निकाल लेंगे। हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए, हनुमान अंजनी के बालक पर्वत पहुंचे जाए, क्या देखा सभी सजीवन जलते देखा, पर्वत लिया उठाई, पर्वत ही उठा लिया। सभी सजीवन जलते देखा, पर्वत लिया उठाई, कहां चले, चल भे अवधपुरी नगचाई, हम दबाई लाई राम, लक्ष्मण भाई हम तबाई लाई राम, उड़ते उड़ते जिस समय साथियों आए हैं अयोध्या के ऊपर, भरत जी नंदी ग्राम में रहते थे और अयोध्या का ध्यान भी रखते थे, देख रेख करते थे। भरत जैसा भाई शायद ही कोई होगा। लक्ष्मण को तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मण वन में गए भैया के साथ, लेकिन भरत ने कितना बड़ा त्याग किया। साथियों, भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। भरत विचार करते हैं कि मेरा भाई जंगल में भटकता हुआ घूमे और ये भरत राज का सुख भोगे, लानत है ऐसे राज्य पर। नंदीग्राम में एक गड्ढा खोदकर उसमें दिन रात सर डालकर यही जपा करते हैं। जैसा भेष प्रभु का है वैसे भेष महलों के अंदर भरत भैया का है। गड्ढे में सर डाले, दिन रात प्रभु का भजन करते हैं कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है, गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है, सभी सहारे टूट चुके हैं, तेरा मुझे सहारा है, इस सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, पर्वत को उठाए हुए अपने हाथों पर साथियों चले जा रहे हैं। अयोध्या के ऊपर जब पहुंचे तो भरत जी आसन लगाए बैठे हैं। जब आवाज आई किसी अजीब व्यक्ति की साए साए की, तो मन में समझे कि शायद कोई राक्षस जो है ना वो आ रहा है उत्पात मचाने के लिए। तो भरत जी बैठे आसन मारे, राम का ध्यान लगाए, भरत जी बैठे
भरत जी बैठे, भरत जी बैठे, भरत जी बैठे आसन मारे राम का ध्यान लगाई। भरत जी समझे कोई दैत्य है, कोई राक्षस आ रहा है। भरत जी समझे कोई दैत्य है बाण देते चलाई। हनुमत धरण गिरे अराई घबरा कर, हनुमत धरण गिरे अराई हम दबाई लाई राम। लक्ष्मण भाई हम दबाई लाई राम। जिस समय आज भरत का बाण लगता है हाराम हाराम कहते हुए गिरते हैं हनुमंत लाल, जब राम नाम का शब्द कानों में आया भरत जी घबरा गए। हे नाथ ये क्या हो गया, मालूम पड़ता है मेरे हाथों से आज कोई प्रभु भक्त समाप्त हो गया। गए देखा एक हाथ पे पर्वत है और एक एक श्वास से साथियों राम राम शब्द का उच्चारण हो रहा है। बार बार जगाते हैं लेकिन वह वीर नहीं जागता। अंत में आज सौगंध खिलाकर कहने लगे, फिर बोले यदि राम का हूं मैं सच्चा दास। तुमको उन्हीं राम की सौगंध है, उठकर खड़े हो जाओ यदि मेरा विश्वास राम पर है। इन शब्दों के सुनते ही साथियों आज वीर हनुमंत लाल राम राम कहकर उठ पड़ते हैं। बोलिए हनुमंत लाल की। आज सामने देखा वही सौंदर्य, वही रूप, वही नयन, वही चितवन, वही सारा अंगरंग है। प्रेम मगन होकर के देखा सामने है मैं कहां हूं, मेरे सामने कौन है। तो साथियों भरत लाल जी कहते हैं, भैया आप कोसल देश में हैं और आपके समक्ष भरत भाई हैं। ओह भरत जी सामने खड़े हुए हैं। इतना कह करके चरणों पर गिर पड़े। जिनका पवित्र नाम अपने कानों से सुना करता था, जिनके दर्शनों के लिए हमारे नेत्र हमेशा प्यासे रहते थे, आज मैं अपने आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं उनका दर्शन कर रहा हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। संक्षेप में सारी कथा कह डाली। सज्जनों सुनकर भरत जी बहुत रोते हैं, लेकिन इसलिए नहीं रोते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, उनके हृदय में तो कोई और ही घाव लगा हुआ है, उसी घाव की वजह से रो रहे हैं। कि बोले बड़ भागी है लक्ष्मण, रहता है जो उन चरणों में। चरणों में ही अब तलक जिया, मरता ही है अब चरणों में। प्रभु के कुछ काम न आया है और खाने सोने ही में इस
अपना सब जन्म गवाया है। हे ब्रह्मा, अगर तुझे पैदा ही करना था तो मरे के समान इस भक्त को पैदा क्यों किया? पैदा करना था तो लक्ष्मण का भाग दिया होता, अन्यथा मेरी माँ की कोख से मेरे बदले पत्थर पैदा कर दिया होता। हे विधना, यही करना था तो क्यों बुझाया था तूने? क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तू? पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। हे ईश्वर, यदि पैदा करना था तो लक्ष्मण का भाग दिया होता, वरना मुझे पैदा ही न किया होता। धिक्कार है ऐसे जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं है। ठाकुर जी की प्रतिमा होते हुए भी सेवक को पूजा करने का अधिकार नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, चाकरों में ही मेरा नाम आ जाने दो। आओ मेरे बाल पर बैठो, मैं अभी तुमको रामादल में पहुंचाता हूं। हनुमान जी ने कहा, नहीं भैया, जिन प्रभु के विश्वास पर मैं इतना दूर तक आ गया हूं, उन्हीं के विश्वास पर मैं उन तक इस बूटी को पहुंचा दूंगा। इधर तो देखिए, हनुमंत लाल जी आ रहे हैं बूटी लिए।